और ये रहा एक कैक्टस, भाई छू के देखो क्या कांटे कांटे छप जाएंगे। वो रहे भाई कितने सारे कैक्टस हैं भाई। सो यो गाइस यार, वेलकम है आप सब लोगों भाई मेरे आज के व्लॉग में। और गाइस आज के व्लॉग में यार मैं एक चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ, वो आज से स्टार्ट होगा चैलेंज। चैलेंज का बता देता हूँ यार, मैं 365 डेज और 365 व्लॉग्स करने वाला हूँ। तो आप लोग भी अगर देखना चाहते हो और मैं अपनी डेली लाइफ में क्या करता हूँ और किस तरीके से मतलब हम लोग रहते हैं और डेली लाइफ में मतलब क्या क्या खाते हैं इस तरीके से मतलब जो भी आप देखना चाहते हो, तो भाई चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक और शेयर भी कर देना यार चैनल को। तो भाई मैं व्लॉग कर लेता हूँ आज से स्टार्ट करूँगा यार मैं नर्सरी का व्लॉग। तो अभी चलते हैं यार व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। सो प्लीज़ यार चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना, मुझे चाहिए आप लोगों की बिल्कुल हेल्प। सो अभी चल लेते हैं यार स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स गो। तो भाई ये है यहाँ की नर्सरी और बहुत ही बढ़िया नर्सरी है, मतलब यहाँ पर हर चीज़ पौधा मिल जाता है। वहाँ गमले वगैरह रखे हुए देख सकते हो कितने बड़े बड़े रखे हुए हैं और मतलब बहुत ही बढ़िया आई है। आगे तक है नर्सरी और अभी दिखा देता हूँ मैं थोड़ा आगे चल के बैक कैमरे से। देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। मतलब बहुत ही बढ़िया पेड़ है, देख सकते हैं यार बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं यार इनके जो गमले हैं ना भाई कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, मतलब बहुत बढ़िया है यार। ये सारे पेड़ पौधे यार देखे, सारे बड़े बड़े गमले हैं। ये जो पेड़ है ना ये भाई मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ और बहुत बढ़िया पेड़ है। और ये पीपल का पेड़ है भाई। ये जो गमला है ना बढ़िया एकदम, मतलब प्लास्टिक पेंट से लग रहा है इस पर। बट एक्चुअली में ये मिट्टी का बना हुआ है, वाली चिकनी मिट्टी जो होती है चीनी मिट्टी से कहते हैं उसका बना हुआ है। अरे छोटे प्लांट्स भी दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं यहाँ पे कैक्टस वगैरह रखे हुए हैं। और ये रहा एक कैक्टस, भाई छू के देखूँ क्या कांटे कांटे छप जाएंगे। वो रहे भाई कितने सारे कैक्टस हैं भाई। ये थोड़ा आगे से दिखाता हूँ मैं कैक्टस, ये रहे भाई देख सकते हैं यार कितने अच्छे तरीके के कैक्टस रखे हुए हैं यहाँ। तो भाई यार ये बहुत ही बढ़िया नर्सरी है, हमें कुछ भी पौधा वगैरह अच्छी होता है तो हमारे तो घर के पास ही है ये रही, हम यहीं आ जाते हैं। इस नर्सरी का नाम शिवा नर्सरी है और बहुत ही पुरानी नर्सरी है, हम शुरू से यहीं से पौधे वगैरह ले जाते हैं। घर में देखे भी होंगे आपने लगे हुए हैं मेरे, और हम ही नहीं यार काफ़ी दूर दूर से लोग उगाते हैं यार, गाड़ियों में भर भर के ले जाते हैं। हमें तो ज़रूरत नहीं है गाड़ी की, हम तो ऐसी आते हैं ऐसी उठा के ले जाते हैं। और बच्चे हमारे घर में है ही बहुत भाई, बहुत आगे तक है नर्सरी, ज़्यादा आगे तक नहीं जाऊँगा। चल मैं, वो जो घर है वहाँ पर उन्होंने कुत्ता पाल रखा है और मैं चाहता नहीं कि यार एक वीडियो के चक्कर में कुत्ता काटे, चौथे इंजेक्शन लगे तो तीन ही लगते हैं खैर। और ये है भाई नर्सरी एकदम बढ़िया, कोई पौधा वगैरह चाहिए हो किसी को भाई। एक छोटा सा नींबू आ रहा है, मैं नींबू दिखाता हूँ आपको भाई, एकदम मस्त है यार। गमले वगैरह रखे हुए हैं, ये छोटे छोटे प्लांट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, हैंगिंग प्लांट जिन्हें कहते हैं, टांगने वाले जो होते हैं जिन्हें गेट वगैरह पे टांग ही लेते हैं आप लोग। और ये हैं ओनर कहाँ जा रहे हो क्या हुआ ऐसे कौन भागता है? अरे तो क्या हुआ, मेहनत करने वाला इंसान ऐसे होता है। और अरे ये क्या क्या चीज़ है, ये सब दवाई है, ये कैसी दवाई है? हाँ ये यहाँ पे पौधों वगैरह की दवाई वगैरह भी आती है, ये सारे स्प्रे में है ना, ये छिड़कने के लिए स्प्रे। और ये कैसा प्रोडक्ट? अच्छा ये सब खाद हैं, खाद के। तो ये आपके खुद के आते हैं बाजार से आते हैं? अच्छा तो ये सब बाहर से आते हैं यार, खाद वगैरह के पैकेट हैं आप देख सकते हैं ये। और इधर भाई ये वाले गमले देखो कितने मस्त लग रहे हैं भाई, ये भी गमले अच्छे लग रहे हैं यार डिज़ाइन वाइज तो देखने में, तो भाई काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यार ये तो भाई, एकदम मस्त जगह है। ये क्या चीज़ है,
ये इस पे ये कैसे अमरूद आ रहे हैं? अमरूद है अनार, अनार का पेड़। मैं अनार दिखाता हूँ आप लोगों को, कितने छोटे छोटे आ रहे हैं देख सकते हैं आप लोग, ये अनार हैं ये सारे छोटे छोटे। और ये तो कोई और सा पेड़ है बट ये अनार है। तो मस्त ये थी हमारे यहाँ की नर्सरी, शिवम नर्सरी। और भी तीन नर्सरी हैं बट जो मेनली जो ज़्यादातर चलती है वो यहाँ पे यही नर्सरी है, शिवम नर्सरी। कोई भी आना जाने वाला यहीं से पौधा वगैरह लेके जाता है, बहुत सही जगह है, बढ़िया एकदम यार। किसी को कुछ पौधा वगैरह चाहिए हो मेरठ में रहता हो, असल में मेरठ के बाहर भी डिलीवरी हो सकती है अगर आपको चाहिए हो, बढ़िया जगह है। हम तो यहीं से लेके जाते हैं सारे पौधे। और अभी चल लेते हैं वापसी घर की तरफ, दिखाई दिया मैंने आपको रास्ता भी बंद है यहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और भाई यार आप लोग वीडियो तो देख रहे हो यार बट कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, तो प्लीज़ यार मेक श्योर दैट आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन साथ में प्रेस कर लेना यार याद से, ताकि जो भी मैं डेली वीडियो वगैरह डालूँ आपको डेली मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो वाइज, थैंक यू।